मैं शांति स्वरूप बोध पश्चिम पूर्वी आज कल हम रह रहे हैं। मेरा भरा पूरा परिवार है। मेरी पत्नी के अलावा 4 पुत्र वधुएं हैं, 7 पोते हैं, 1 पोती है और सब हंसी खुशी खेलते खाते यहाँ इसी मकान में रह रहे हैं। एक मकान सामने, 2 बेटे वहाँ हैं। हम मूलतः रहने वाले पुरानी दिल्ली के हैं। यहाँ आए हुए हमें 26 साल हो गए। मैं सम्यक प्रकाशन चलाता हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर दि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मीराताई अंबेडकर जी के साथ जुड़ा हूँ और उन्होंने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी हुई है। बाकी समता बुद्ध विहार पर हम अपनी सेवाएं देते हैं, वहाँ बगैर किसी पद के देते हैं। और आज हमारा समता बुद्ध विहार दिल्ली के चर्चित बुद्ध विहारों में है, इस चीज़ की हमें बहुत खुशी है। हमारी सफलता के पीछे जिस व्यक्ति ने सारी दुनिया को प्रभावित किया, भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध, वो मेरे प्रेरणा के पूज्य हैं। सम्राट अशोक, जिन्होंने अपने पराक्रम से, अपने कल्याणकारी कार्यों के बल पर सारी दुनिया में सफलतम सम्राट के रूप में सफलता पाई, वो मेरी आस्था के प्रतीक हैं। बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, जो वर्तमान में सारी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं, वो हमारे आस्था के आधार हैं। ये महापुरुष और जितने भी महापुरुषों को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने महत्व दिया, पहचान दी, वो सब हमारी आस्था के आधार हैं, जो हमारी सफलता के लिए जिम्मेदार हैं। सुबह प्रातःकाल उठना होता है, चाहे हम रात को लेट भी सोएं तो सुबह करीब 6 बजे के करीब आँख खुल जाती है। तो सवेरे उठ के प्राकृतिक रूप से निवृत्त होकर हम पानी पीते हैं। एक बोतल पानी पीने के बाद फिर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं। घर के पीछे ही बहुत सुंदर पार्क है, वहाँ आधा घंटा पैदल चलना, कुछ व्यायाम करना जो घुटनों के लिए, पेट के लिए बहुत ज़रूरी है, आधा पौन घंटे के बीच में घर आ जाते हैं। घर आते हैं तो तब तक प्रायः अखबार आ जाते हैं, उनका सबका अध्ययन होता है और पहले से ही कुछ किताबें प्रूफ रीडिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, पढ़ने के लिए रखी होती हैं, उनमें फिर हम गोता लगाने लगते हैं। उसके बाद में मैडम तब तक वो चाय ले आती हैं, फीकी चाय हम पीते हैं एहतियात के तौर पर। और इसी दौरान फिर टेलीफोनों का सिलसिला शुरू हो जाता है। थोड़ी देर में परिवार, जो बेटे हैं, सब आकर यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, सब मिल करके नाश्ता करते हैं और उसके बाद तब तक नीचे जो हमारा सम्यक प्रकाशन का दफ्तर है, वहाँ पर जो हमारे हाईली प्रोफेशनल जो स्टाफ है वो आ जाता है और उनके बीच में जा कर के बस फिर तो सारा दिन उन्हीं के बीच में खो जाते हैं। सारे दिन एडिटिंग का काम, प्रूफ रीडिंग का काम, ये करना है, ये नहीं करना है, ये काम प्रायोरिटी पर है, इसको तो बाद में भी किया जा सकता है, इस तरीके के सारे काम चलते हैं। और मित्रों से जो साहित्यकार हैं या अपने मिशन के और दूसरे आंदोलनकारी हैं, सारे दिन उनका आना जाना और मिलना चला रहता है। तो इस तरीके से सारा दिन कब पूरा होगा कुछ पता नहीं। 6 बजे शाम को ऊपर आते हैं और 6 और 7 के बीच में खाना खा लिया जाता है। उसके बाद में फिर लिखने पढ़ने का दौर शुरू होता है और जब तक नींद ना आ जाए तब तक वो लिखने पढ़ने का काम शुरू रहता है। जो ही गर्दन लटकती है तो ही हम अपनी टेबल सरका देते हैं और सो जाते हैं। ये तो दैनिक हमारी दिनचर्या है। इसी तरीके से रोज़ एक एक दिन करके जीवन में कम होता जाता है। खाली समय तो हमारे लिए ऐसे समझो जैसे कि चील के घोंसले में छींचड़ा तो बड़ा मुश्किल से मिलता है, मगर फिर भी जब कभी भी समय मिलता है, घर में बच्चे हैं, कैरम बोर्ड वगैरह खेल लेते हैं। आजकल तो सबसे बड़ा टाइम पास का जो जरिया हो गया है वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसके साथ भी चलता है। बच्चों के साथ में टाइम गुजारना ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है कि उन्हें कुछ शिक्षा देनी होती है तो उनसे हम सवाल करते हैं, वो सवाल अगर लड़खड़ा जाता है तो उनको दुरुस्त करते हैं। तो इस बहाने से बच्चों की नॉलेज भी बढ़ती है और बच्चों से जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने साहित्य में भी वो सारे सवाल बहुत काम आते हैं। इस तरीके से हमारा जो कभी खाली समय मिलता है, हालांकि घूमना फिरना तो खाली अब शादी ब्याहों वगैरह में जाना वही हो गया, बाकी समय मिल नहीं पाता और जितना समय मिलता है वो बच्चों के नाम ही होता है।
हाँ, हॉबीज़ तो बहुत छोटे उम्र से बहुत सारी मेरे साथ लगी रहीं, और हॉबी भी बहुत महंगी, जैसे स्टैम्प कलेक्शन, दुनिया भर के डाक टिकट इकट्ठे करना, क्योंकि ज्योग्राफी का मैं स्टूडेंट था, और डाक टिकट इकट्ठे करने से कंट्री का नाम पता चलता है, वहाँ की करेंसी का नाम पता चलता है, तो इस वजह से वो बहुत शौक हमारा परवान चढ़ा। उसी के साथ एक चीज़ है, सिक्के इकट्ठे करना, सिक्के मतलब कॉइन कलेक्शन। मेरे पास आज भी दो बड़े बड़े डब्बे भरे हैं, उनका वजन 25 किलो होगा। दुनिया भर के जहाँ भी हम गए वहाँ से लेकर आए, जो भी मित्र मेरा यहाँ आता है उनको सबको पता था कि मैं बोध जी से मिलने जा रहा हूँ, तो वो जाते पूछेंगे अपनी कंट्री का सिक्का लाए क्या। तो इस तरीके से बहुत सिक्के हमने इकट्ठे किए। और परिवार में जितने भी सारे हमारे बच्चे हैं उनको नई नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराना, नए म्यूजियम्स में ले जाना, चाहे वो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम हो, चाहे वो जू हो, और चाहे और दूसरे इंटरटेनिंग जितने भी प्रोग्राम होते हैं साइंटिफिक नॉलेज गेन करने के, वो दिखाना। ये हमारे खुद के, पहले खुद के लिए रहा, बच्चों के लिए ये सब शौक चलते रहते हैं। सम्यक प्रकाशन विधिवत रूप से आरंभ हुआ 1997 से, मगर इसके शुरुआती जो काम थे वो 1975 से आरंभ हो गए थे, क्योंकि मेरा बचपन बड़े बड़े जो समाज सुधारक हैं और साहित्यकार हैं उनके साथ बैठने में बीता, उनके चरणों में बैठकर बहुत कुछ सीखा। उसने प्रेरित किया कि समाज को संगठित करने के लिए, समाज को शिक्षित करने के लिए, समाज को अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित कराने के लिए साहित्य की ज़रूरत और सांस्कृतिक पक्ष को प्रबल करने की ज़रूरत है। ये तो 75 से, अब सबसे पहले जो हमारा प्रयास था वो 3 बच्चों वाला एक कैलेंडर निकला था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। वो उसके बाद और भी बहुत काम हुए, मगर विधिवत रूप से पूरी रफ्तार के साथ, जिसे कह सकते हैं कि होल टाइमली, वो काम शुरू हुआ सम्यक प्रकाशन के पुस्तक प्रकाशन का, वो 1997 से। 1997 में हम जब विदेश गए थे तो वहीं पर किताब लिखनी शुरू कर दी थी। वो जो सबसे बड़े हमारे धर्म गुरु हैं मास्टर शिंग युन, जो ताइवान के महायानी गुरु हैं, उनका एक प्रवचन हुआ बड़ा क्रांतिकारी साहित्य के महत्व पर, उसका बहुत असर पड़ा और यहाँ भारत में आकर पूरे फुल फ्लेज तरीके से हम साहित्य के काम में जुड़ गए। ये साहित्य के काम में जुड़ना क्या हुआ कि फिर हमारा सब तरफ की गतिविधियाँ कम हुई और साहित्य के काम में लगे। आज सम्यक प्रकाशन की स्थिति यह है कि वर्ल्ड बुक फेयर में हम जब जाते हैं तो वहाँ हमें लगातार 3 साल से सम्मानित किया जा रहा है। 2017 में हमें कांस्य पदक से सम्मानित किया गया, 2018 में हमको रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल मिला, और ये जो 2019 है अभी लास्ट वीक जो ख़त्म हुआ है उसमें भी हमें दोबारा रजत पदक मिला। वो जो होता है साहित्य के लिए तो होता है, परफॉर्मेंस के लिए भी होता है, जो आपका डिस्प्ले की स्टैंडर्ड क्या है उसके लिए होता है, और उसकी ट्रेनिंग हमें बचपन से है, और अब तो हमारे बच्चे भी सारे ट्रेंड हो गए हैं। तो सम्यक प्रकाशन की ये छोटा सा एक परिचय है, और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अब हमारे बच्चे भी मैदान में आ गए। वर्तमान भारत में एक ही पॉलिटिशियन हैं जो हमारी कसौटी पर खड़े उतरते हैं, उनका नाम है बहन मायावती। कारण ये है कि इस पूरे बहुजन आंदोलन को जितने भी आदिवासी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड हैं, इन सबको प्रभावित करने का या एक जगह लाने का मादा अगर किसी में है तो उन्हीं में है। पिछले दिनों एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ था, वो ठीक है कि रिजल्ट इसलिए हाथ में नहीं आ पाए क्योंकि षड्यंत्र हमारे प्रयासों से ज़्यादा था, मगर आज उनकी बात में जो दम है, उनकी रैलियों में जो भीड़ जुटती है, ये अन्यत्र दुर्लभ चीज़ें हैं। तो आज हम कह सकते हैं कि हम तो बहुत पुराने समय से उनको देखते आ रहे हैं, उनके साथ काम भी किया है राजनीति में आने से पहले भी। तो आज की तारीख में इंटरनेशनली रिनाउंड अगर कोई भारतवर्ष में बहुजन लीडर है तो वो बहन मायावती हैं, और हमारी आस्था का आधार और हमारी हमें भी प्रेरित करने वाली अगर कोई है तो बहन मायावती हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सत्ता संभालने के बाद ये रुतबा हासिल किया है। यह हर एक को नसीब नहीं है, ख़ास तौर से बहुजन समाज में तो आपको ऐसे बहुत
विरले ही मिलेगी। राजनीति में नहीं जाना चाहते क्योंकि राजनीति से ही हम आए हैं। पिताजी रिपब्लिकन पार्टी के जब अध्यक्ष थे, दिल्ली का सबसे बड़ा रिपब्लिकन आंदोलन जो हुआ था, जेल भरो आंदोलन 1964 में, तो उस समय पिताजी अध्यक्ष थे और वो तो 1967 में हट गए थे, मगर उसके बाद 1970 में मुझे दिल्ली प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी रिपब्लिकन पार्टी का बनाया गया। तो वो जो अनुभव हमारे उस समय थे, जो कुछ हम करना चाहते थे वो वहाँ रहकर नहीं हो सकते थे। तो राजनीति में जाने का हमारा कोई दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। काम करेंगे, समाज के बीच में रहकर करेंगे और बौद्धिक साहित्यिक सांस्कृतिक काम करेंगे, और विरोध हमारा किसी से नहीं है। हर एक का अपना काम करने का तरीका है। मेरा काम करने का तरीका यह है, जो दूसरे तरीके से काम करते हैं उनसे भी हमारा कोई दुराव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, कोई जिस रूप में करता करे, मगर हमारा काम सांस्कृतिक साहित्यिक और बौद्धिक रहेगा और है। भविष्य तो बहुत सीमित है, आपको भी दिखता है, मेरे तो बचपन में डेथ हो गई थी और दोबारा जान आ गई, तो तब से हम इंतजार में, अब जीवन लीला समाप्त, अब जीवन लीला समाप्त। मगर एक सपना जीवन का ये ज़रूर है कि अपने आँख मूंदने से पहले इस देश के युवक को, युवा शक्ति को झकझोरना है, उन्हें उनके अतीत का, उनके गौरवशाली अतीत का एहसास दिलाना है और घर घर में इतना साहित्य पहुँचा देना है कि हमारे जैसे लोगों के ना रहते हुए भी साहित्य उनका झकझोरता रहे। बस एक यही तमन्ना बाकी है। आज भारतवर्ष के युवकों में जो एक पैठ बनी है, उससे हमें आस बंधी है कि युवकों के माध्यम से ही हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति को परिवर्तित करना बड़ा मुश्किल होता है, वो तो औरों को ही बदलने की बात करने लगते हैं, मगर युवा शक्ति अपने मादे के साथ, दम के साथ, अपने बुजुर्गों को, माँ बाप को भी साथ लेकर जब चलेगी तो समझो बात बन गई। तो वो हमारा एक सपना है और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा दूर नहीं है, पूरा होने को है। मैं तो खाली इतना ही कह सकता हूँ कि भरपूर सम्मान मिलता है और हम भी उनको पूरा प्यार करते हैं, मगर अधिक वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो तो आप उनसे जानेंगे तो ही ईमानदाराना प्रयास होगा, वो ही बेहतर बता पाएंगे। मैं संदीप शांत, शांति स्वरूप बोध जी का बड़ा बेटा, और ये मेरी मिसिस किरण शांत, और ये मेरी बड़ी बेटी शालिनी शांत जो 10th स्टैंडर्ड में है, और ये मेरा छोटा बेटा सम्यक शांत, ये 9th स्टैंडर्ड में है। और मैं अपने पिताजी के बारे में बताना चाहता हूँ। जो सबसे पहली बात तो जो आज उनका मुकाम समाज में है, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, इससे हमें गर्व महसूस होता है। और पिताजी से मैंने हमेशा सीखा है कि जो सबसे अच्छी बात लगी उनकी, भी बचपन से कहते थे कि यारी दोस्ती सभी से करो, पर उनके अंदर जो अच्छे गुण हैं वो हमेशा लेना, बुरे गुण कभी मत लेना। तो वही इस चीज़ को हम फॉलो करते हैं, समाज में उठते बैठते हैं, किसके अंदर क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है वो सब देखते हैं, जो अच्छा है वो हम लेते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं। और अच्छी चीज़ को हर किसी को फॉलो करना चाहिए, बुरी चीज़ को कभी फॉलो करना नहीं चाहिए। मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी शादी से पहले, और मतलब और फिर मैं शादी के बाद बुद्धिस्ट फैमिली में इंट्रोड्यूस हुई, और मुझे यहाँ के इतना अच्छा लगा, यहाँ बुद्धिज़्म के बारे में जान के और बहुजन समाज का जो वो है इतिहास, ये सब जान के कि हमारे साथ, हमारी लेडीज़ के साथ, हम लेडीज़ के साथ कितना बुरा हुआ है, कितना शोषण हुआ है, और मेरे को इतना थैंकफुल और ग्रेटफुल फील होता है कि मैं इस परिवार में आई और मैं उस हिंदू धर्म के जो पचड़ों से, उन रीति रिवाजों से मेरा पीछा छूट सका। और मैं कपिल स्वरूप बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध जी का बीच का बेटा, संदीप जी से छोटा, ये मेरी वाइफ दीपशिखा, ये मेरा बेटा मिलिंद, एंड ये अर्पण ना, और हमको शुरू से ही सिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात हमें सिखाते हैं हमेशा पॉजिटिव रहो, है ना, पॉजिटिव रहना ही सिखाते हैं, कि लोगों को हमेशा जोड़ना ही सिखाया है। अगर कोई कुछ कह रहा है या हमारी कोई बुराई कर रहा है या कोई हमारा विरोधी कुछ कह रहा है, तो कहते हैं उसको ध्यान ही मत दो आप, जो जिसके साथ है दुनिया सारा बुद्धिजीवी वर्ग है सब देखता है। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। जब मेरी शादी हुई इस घर के अंदर, पापा जी को हम पहले से ही जानते थे क्योंकि वो मेरे ग्रैंडफादर के बेस्ट फ्रेंड थे। जब मेरे दादाजी इस घर में रिश्ता लेके आए, उन्होंने एकदम ही एक्सेप्ट कर लिया और हम, मेरी शादी इसी घर में हुई। मैं बेसिकली बुद्धिस्ट फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ और यहाँ भी आई तो बुद्धिस्ट फैमिली ही देखी, लेकिन मेरे फैमिली से ज़्यादा इस फैमिली में मेरे को देखने को मिला सब कुछ। पापा जी का जिस तरीके से पूरी
पूरी इंडिया में नाम है, वो बहुत ही अच्छा लगता है और प्राउड होता है हमें इस बात के ऊपर कि उन्होंने इतना अच्छे अच्छे काम किए। जब वो भाषण देते हैं सब लोग उनके भाषण के लिए बैठे ही रहते हैं जब तक उनका भाषण नहीं होता, और काफ़ी मोटिवेशन मिलती है उनके भाषण से। वो जिस तरह से रीड करते हैं, राइटिंग करते हैं, उन्होंने इतनी सारी बुक्स लिखी है, सो बहुत ही अच्छा है। ईमानदारी से देखा जाए तो जो सबसे बड़ी सपोर्ट वो पत्नी की ओर से मिलती है, वो सबसे बड़ी सपोर्ट होती है। मुझे भरपूर सपोर्ट उनकी तरफ से मिली है। जब से मेरी शादी हुई है, शादी होकर आई हूँ मैं इस घर में, तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं मेरे को सभी घर वाले यहाँ पर, और अपने हस्बैंड के साथ मैं जाती आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनके अंदर तो बहुत खासियत है जो सभी को जोड़कर चलते हैं समाज। मैं घर में रहूँ तो, ना रहूँ तो, अब कौन आदमी है रात को सोते वक्त लाइट जलाना पसंद करेगा, मगर मैं अपना काम पूरी लाइट जला के करता रहता हूँ और वो अपना नींद लेती रहती हैं या नींद का वो ड्रामा करती रहती हैं। मगर ये बहुत बड़ी सपोर्ट है। किसी भी व्यक्ति की पत्नी अगर चाहे घर में पत्ता हिल नहीं सकता, मगर अगर हमारे जैसे लोग जितना भी कुछ कर पाते हैं वो सीधी सी बात यह है, परिवार से खासतौर से पत्नी से उनको सपोर्ट मिलता है तभी वो कर पाती हैं। वो मेरे साथ जाती भी हैं प्रायः, मैं उनको अपने साथ रखता हूँ अपने। और एक तो मेरे बारे में बड़ा पहले मशहूर था कि जब मैं दाढ़ी रखता था तो मेरी दाढ़ी, मेरी गाड़ी और मेरी साड़ी, यानी कि पत्नी हम साथ साथ होते थे। तो एक ज़माना ऐसा भी था, तो पत्नी का सपोर्ट बहुत रहा और उनके सपोर्ट के बगैर यहाँ तक आ पाना बड़ा मुश्किल था। शिक्षा ही बदलाव ला सकती है, ही इसलिए कह रहा हूँ कि कोई दूसरा, हमारे लिए कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। जो सरकार हमें शिक्षा दे रही है वो हमारे काम की नहीं है। जो षड्यंत्र के तहत जो हमारी शिक्षा तो ख़त्म कर दी गई, उन्होंने अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल्स खोल लिए, अब हमारे बच्चों को हम अपनी शिक्षा नहीं दे पा रहे, खुद नहीं दे पा रहे क्योंकि साधनहीन समाज है, मगर हमारे अपने खुद के इनिशिएटिव ना लेने की वजह से हो क्या रहा है कि सरकार के प्रोत्साहन की वजह से, मीडिया के प्रोत्साहन की वजह से हमारी पीढ़ी को, जिसको आईएएस बनने के लिए, टेक्नीशियन बनने के लिए, वैज्ञानिक बनने के लिए, कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए प्रयास करना चाहिए था, अब वो कांवड़ ले जाने के काम में लगे हुए हैं, वो मंदिरों के अंदर भंडारा खाने के लाइन में लगे हुए हैं। तो ये सारा जो अंधविश्वास का घटा टोप जो आकाश छाया हुआ है हमारे ऊपर, ये सही शिक्षा के अभाव में, जिस दिन हम अपनी शिक्षा का प्रसार खुद अपने दृष्टि से करने लगेंगे, ये समाज के ऊपर से सारा संकट हटने लगेगा। आज की जो वर्तमान युवा पीढ़ी है उसको तार्किक बनाना है, उसको वैज्ञानिक सोच वाला बनाना है, उसको प्रैक्टिकल बनाना है। ये एजुकेशन से ही होगा, और कौन सी एजुकेशन, जो एजुकेशन हम देंगे उधार की एजुकेशन से, हम अपने बच्चों को तो कांवड़ ढोने वाला बना रहे हैं। बाकी अगर उनको काबिल बनाना है, बच्चों को उनको तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, तो अपनी वैज्ञानिक जो हमारी शिक्षा है जिसको हम देंगे वो ही उनका भविष्य सुधारेगी। बच्चों से बड़ी उम्मीद है अगर वो अंधविश्वास वाले रास्ते से बचकर चलें तो। आज जैसा भी अच्छा या बुरा आपके सामने ये शांति स्वरूप बोध है, ये अपने माता पिता के कारण, मेरी तो कामना है कि जैसे माता पिता मुझे मिले, सबको मिले, इतनी प्रतिष्ठा, इतनी धन संपत्ति हर एक औलाद को नहीं मिलती जितनी हमें मिली। माता और पिता दोनों ने भरपूर सहयोग किया, जब भी मैं पैसे मांगता कभी मना नहीं किया, कभी ये नहीं पूछा काहे के लिए पैसे चाहिए, डाक टिकट खरीदने हैं, सिक्के लाने हैं, नक्शे लाने हैं, लाला जी 10 रुपए लो, ये लो। पहले बुक फेयर में गया 10 रुपए लेकर, किताब भी 10 रुपए की थी, उससे पहले मैंने 2 रुपए की किताब खरीद ली थी, वापिस आना पड़ा, फिर कहा लाला जी 10 रुपए दो, ये ले। वो तंगी का समय जब लोगों के पास 2 रुपए नहीं होते थे, पिताजी मांगते 10 रुपए देते थे,
ऐसे बाप सबको मिले, आज वो नहीं है, मगर मुझे एक चीज का संतोष जरूर है कि मेरे पिताजी के प्राण मेरी गोद में निकले, मेरी माँ की जान मेरी गोद में निकली। आज की जो औलाद माँ बापों को पहचानने से मना करती हैं, उनको उनका प्राकृतिक जो दायित्व बनता है उसको निभाने से मना करती हैं, ऐसा क्षण किसी दुश्मन के घर में भी ना आए, मगर मुझे माता पिता का पूरा, जबकि हम तीन भाई थे एक बहन थी, मुझे ये गौरव मिला कि मैंने अपनी माँ को अपने पास रखा, अपने पिता को अपने पास रखा। ये तो हमारा अपना रिश्ता पारिवारिक, मगर एक माँ बाप हमारे और हैं जो सामाजिक हैं। वो बाप कौन है? बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। और माँ कौन है? माँ है रमाबाई अम्बेडकर। आज मैं सुबह बैठा बैठा एक चित्र फाइनल कर रहा था, कल्पना लोक में था, रमाबाई अम्बेडकर के पति हमारे बाबा साहब अमेरिका गए हुए थे, वो बीमार पड़ी थी, बच्चा भी बीमार था। उन्हें सपना आया माता जी को कि मेरे मालिक तो विदेश में है और तू बीमार है, नहीं मालूम तू कंडे लेने जाएगी, उपले लेने जाएगी, गोबर लेने जाएगी, तेरे रास्ते में तेरी जान निकल जाए, तू लकड़ियां बीनने जाएगी, तेरी वहां जान निकल जाए। तो वो एक कल्पना करती है कि तेरा अब प्राणांत तो हो गया, अपने मालिक की इंतजार करते करते तेरी जान निकल गई। तो उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, रमाबाई कह रही हैं कि कागा, कागा कहते हैं कौवे को, कि कागा चुन चुन खाई हो, चुन चुन खाई हो मांस, तो नैना मत खाई हो, मोह पिया मिलन की आस। तो ये चित्र सुबह जो फाइनल हुआ अपने सामाजिक माता पिता की याद में, बहुत जल्दी हम अब इसको, क्योंकि अब ये दिमाग में फाइनल हो गया, अब ये कागज पर आना बाकी है। माँ बाप का संसार में भगवान बुद्ध ने कहा है, माँ बाप का कर्ज उतर नहीं सकता, आप अपने प्राणों की बाजी लगा दे तो नहीं उतर सकता, मगर माँ बाप अगर गलत रास्ते पर हो तो संतान का ये दायित्व बनता है वो उसको सही रास्ते पर लाकर उनके प्रति अपना सच्चा नियम निभावें, सच्चा दायित्व निभावें। यद्यपि हमें ऐसा मौका मिला नहीं, माता और पिता जैसे हमें मिले, मेरी कामना है हर एक को ऐसे सहयोगी माता पिता मिले, ऐसे मार्गदर्शक माता पिता मिले, ऐसे सम्मानित ऐसे संपन्न माता पिता मिले जैसे हमें मिले। आज इस अवसर पर मैं समझता हूँ ये शब्द बहुत हैं।